वो दिन आ गया जब हमारी मैडम को अपने सारे फ्रेंड्स से मिलाना है और उनकी वाइफ सारे वेट कर रहे हैं हमारा स्पेशल। उन्होंने एक पार्टी छोटी सी ऑर्गेनाइज करी है, गेट टुगेदर बेसिकली। वहाँ क्या चल रहा है वो भी देखते हैं और यहाँ हम भी निकलने की फटाफट तैयारी करते हैं, क्योंकि बस आज बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत टाइम बाद सारे दोस्तों से एक साथ सबकी वाइफ के साथ मिलना होगा। आई एम बैक। और सर क्या हाल है? बस आप, जब मैं आई एम बैक कर रहा था आप इस देख के रहे थे मेरे को ऐसे। मैं सर आपका स्टाइल देखना चाहता था, लोग आपको बहुत एडमायर करते हैं। अरे सर आपके साथ खड़े इसलिए एडमायर। अरे सर नहीं, आप में नूर है। अरे सर आप वो वाली नूर अच्छी है। नूर अच्छी है सर। भाई जी, जैसे सबको पता ही है सैंड्रा भाभी हमारी आ गई है, तो हम बहुत सारे कंफ्यूज्ड हैं कि भाभी को कहाँ कहाँ पे लेके जाएं। हर्षित के घर पे डिनर रखें, मेरे घर पे रखें, या सरबजीत के घर पे रखें। सरबजीत अपने नंबर बनाने के चक्कर में कहता है मेरे घर पे लाओ, मेरे घर पे लेके लाओ। तो मैंने क्या किया, एक सोल्यूशन निकाला है। एक कॉमन प्लेस पर मिलते हैं, भाभी के ग्रैंड वेलकम करते हैं, अच्छी तरह से भाभी से मिलेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, दो दो चार टुक बातें भी होंगी और सबको मिलाएंगे, फैमिलियर करवाएंगे। तो एक बारी तैयारी हम यार ये देख लेते हैं कि कैसी हुई है कैसी नहीं हुई है। क्यों भाई, हर्षित क्या बोलता है भाई जी? सही सही बात कर रहे हो सर, आओ देखते हैं। आओ आओ जी, आओ 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 भाई जी, आ जाओ दिखाएं हम आपको। हम कहाँ पे लगे बैलून्स लगवाए हैं हर्षित ने स्पेशल बोल के, और मेरे को फोन करके कहता भाई मैंने प्यारी डेकोरेशन करवाई है, लगवाए क्या बैलून्स? सर एक बात बताओ, थोड़ा ज्यादा हैवी टच नहीं चाहिए हमें, सिंपल टच नहीं, सिंपल रखना हमें, क्योंकि जगह ऑलरेडी कोजी है हमारे लिए। भाई देख भाई, वैसे जगह तो अल्टीमेट है यार, सर लाइटिंग बढ़िया है, लाइटिंग बढ़िया है, शाम का माहौल है, वीकेंड का दिन है। बेस्ट पार्ट ये है कि भाई हम जैसे 10-15 लोग हैं, उनके लिए एक इंडिविजुअल स्पेस है, तो हमें कोई परेशान करने वाली बात नहीं है भाई, आराम से बैठेंगे, रोक टोक नहीं है, ये सब अपना प्राइवेट एरिया है। यार अच्छा लग रहा है यार, वाइब्स अच्छी आ रही है, वो भी जल रही है अभी तो, कछुआ छाप भी स्मेल आ रही है। सर ये इसलिए रखा है, बाहर से आदमी आ रहे हैं उनको ये ना लगे आते ऐसे थप्पड़ थप्पड़ हमारे एक दूसरे को, ठीक है ना? ठीक है भाई जी, सही है। और सुन क्या बोलते हैं, मैंने स्पेशल प्रॉन्स रखवाए हैं खाने में, मुँह में अभी से पानी आ रहा है कि पार्टी जल्दी शुरू हो जाए। सर देखो मैं वेजिटेरियन आदमी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आपके लिए मंचूरियन और स्प्रिंग रोल बनवाए हम। सर हम पिछले 35 साल से मंचूरियन और स्प्रिंग रोल ही खाते हुए आ रहे हैं और कुछ खा नहीं सकते। आपके लिए हांडवा बनवा दूँ? सर वो हम घर पे ही करेंगे ये सारी चीजें। ठीक है जी, ठीक है जी। Midnight chimes will always ring for me, for they know that I'm in need. I'm almost ready, Didi. Okay, you I'm just really missing one earring. Okay. It's not going in. It looks so good on you. Perfect. Yeah, it's not going in. You want me to help you? If you can, that would be... Yeah, it's really a little risky. I don't want to risk it, but okay. अब आए तो यार एक कुछ तो लेके जाएंगे, आई मास्टर से कुछ तो खा के जाएंगे, खा के जाएंगे। आओ सर बैठो प्लीज प्लीज। भाई जी क्या मंगाया आपने? सर मैंने कहा ठंड का मौसम हो रहा है, थोड़ा कुछ गर्म हो जाए। You mean rum? Yes. Oh my God, मेरे को लग रहा था आप अंदर जो कहानी करके आए हो ना उसके साथ, मेरे को समझ आ गई थी। मैं कहता सर ऐसा ठंड का टाइम है, थोड़ा बहुत हल्का होना चाहिए और ओपन एटमॉस्फेयर है। मेरे दिमाग में एक बात आई थी लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा। बोलो सर, बोलो बोलो, कोई भी चीज अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, बोलो सर। नहीं 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 सर। अच्छा, मेरे को तो आपके दिमाग में आई ना बात, वो मेरे दिमाग में आ चुकी है। अभी से कंट्री की मुझे पता था भाई। भाई बिल तो सांझा हो नहीं, सांझा हो नहीं है, पहले आके टैग लगा लो। देख रहे हो थिंकिंग कितनी मैच करती है, कुत्ते को ये भी मेरे कान में भी बता रहा कि तूने यही सोचा है। भाई साहब ऐसा है, हम दोनों को साथ में 35 साल हो गए। 35 साल हो गए सर, ठीक कह रहे हो आप। और रियल वाले 35 साल। एक्चुअली आप सोचते वही हो जो मैं क्या बोल रहा यार। आज ना अंकल जी पापा जी आ रहे हैं हमारे। अच्छा यार मैंने एक और चीज़ है, उनको मैं पापा बोलूँगा, पापा।
यार हंस क्यों रहा है यार, मैं तो अपनी दिल की बात कर रहा हूँ तेरे से कि उनको पापा बोलेंगे। मेरे को एक बात बताओ, मुझे फीलिंग आ रही है उनको पापा बोलेंगे। हां बोलो सर, अभी तो आपने खाली सुंगी है फिर भी बैकी बैकी बातें कर रहे हो। अरे सर पापा आप बोलने का हक आपका नहीं बनता है। इमोशंस नहीं समझते आप। सीयर सीयर सॉरी, आज पापा को भी है ना हम रम पिलाएंगे। रम पिलाएंगे, रम पिलाएंगे, रम पिएंगे। आई थिंक दे आर फ्रेंच कैनेडियन राइट, वाइन नहीं प्रेफर करेंगे यार। एक्चुअली क्या है वहाँ पे कनाडा में ना, आपको ठंड का तो एहसास होता नहीं है क्योंकि आप घर के अंदर होते हो, निकरों में होते हैं, हीट चल रही होती है, गाड़ियों में हीट है, हर जगह हीट है। खुले में इंडिया में ना ठंड महसूस होती है। रम पियेंगे ना मजा आएगा उनको। तो एक काम करेंगे, हाँ। उनको एक बढ़िया सी टॉडी पिलाएंगे। टॉडी टॉडी क्या होता है भाई, मुझे पता नहीं। टॉडी रम की ड्रिंक होती है, उसमें सिनेमन होता है, बहुत सारी चीजें होती है। हाँ ठीक बात है, मैं समझ गया। भगत जी प्रॉन्स प्रॉन्स की तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी है। अच्छी बात है, कौन खाएगा फोन? यार भाभी खाएंगी, भाभी के लिए भाभी खाती है, सीफूड खाती है। एंड पापा 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 को भी अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। पापा लव्स प्रॉन। भगत जी टेस्ट कराए तो एक प्रॉन। पागल है क्या तू, ऐसे कैसे करा दे? अरे टेस्ट करवा रहे हैं, टेस्ट ला रहे हैं। भले हुए प्रॉन आपके ऑलरेडी मैरिनेशन में है, आ जाएंगे। एक मिनट लगता है, जब तक तू पिएगा मैं खा लूंगा। एक्चुअली क्या टेस्ट करना जरूरी है ना, पापा को स्पाइसी होना नहीं चाहिए, यू नो। हमारे ससुर साहब नहीं है वो। भाई मेरे हमारे ससुर साहब, मैं पापा बुलाना चाहता हूँ। आप मेरी इमोशन से नहीं समझ रहे। तेरे इमोशन से बह रहे हैं बहुत ज्यादा। तो बहने दे ना फिर। पिकल खाओ, पिकल प्रॉन्स के साथ। थोड़ा सा स्पाइसी है बट वो मैं बोल देता हूँ अभी। इनको बोल दे थोड़ा मेलाडन कर दे उसको, टेस्ट को ना एकदम ओरिजिनल बट ब्लैंड भी लगना नहीं लगना चाहिए। द रिचनेस ऑफ द टेस्ट इज देयर, द रिचनेस ऑफ द टेस्ट इज देयर। वैसे एक बात बता, अकेले आके कभी तूने प्रॉन खाया कभी? गंदी बातें मेरे को पसंद नहीं है। आज पार्टी है, प्रॉन मंगाए हैं। मैंने आज तक प्रॉन नहीं खाए, तेरे कहने का क्या मतलब है? नहीं पार्टियों में खाए, अकेले की बात कर रहा हूँ कि कभी तू गया स्पेसिफिकली तूने अकेले जाके प्रॉन्स मंगाए हो? कहना चाहता है मैंने पार्टी प्रॉन के चक्कर में करवा दी। भाई मेरे को तो डाउट हो रहा है, कितना गंदा आदमी है यार तुम। ऐसे बचपन के दोस्त दुश्मन ही होते हैं कसम से। अब ये सुखी और हर्षित तो मेरे ख्याल से पहले जाके वहाँ पे थोड़ी बहुत सेटिंग वेटिंग करवा रहे होंगे, मगर मेन जो मकसद ये है आज वो सैंड्रा को सबसे मिलवाने का, प्लस सारे आपस में मिलने, तो आगे के हमारे घूमने फिरने के सबसे मिलने जुलने के रास्ते खुल जाएंगे। भाई यहाँ पे ना थोड़ा एक्चुअली जगह टाइट है। हाँ जी सर जी, क्या हेलो। About 12 at night, I'm the girl's delight. They call me the midnight man. Hey, 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 I think I will make you repeat one more time. Hi, Sarabjit. Nice to meet you, Sarabjit. Jasmine. It's a bit tough. Oh, yeah, well, I will have a hard time to remember all the names. Night times will always ring for me.
Okay, let's do one round. Sahabji, Tashmi, Sahabji, Tashmi, Archip. सीधी सीधी लगा दे तो बिल्कुल बढ़िया सर आजी आप तो बिल्कुल इंडियन वाइब में आज हैं सर आपने बोला भाभी सूट पहन रही है अब आपको मैं इसकी एक स्टोरी बनाऊंगा पीछे की बैक स्प्लैश स्टोरी बड़ी जरूरी है आ जाओ भाई साहब जो छितर खाए ना इसके पीछे मुझे Hi Shubhi, nice to meet you. Did I pronounce your name correct? Will you do a high five with me? Yes. Yay! Shubhi, I will be with you as well. Yeah! I'm good. I'm really happy to finally meet you guys. I've heard so much good things. They call me the Midnight Man. परफेक्ट लो सर अपने खजूर पकौड़े थैंक यू पहले लेन देन वाला काम करते हैं पहले मुंह दिखाई अरे वाह थैंक यू क्या बात है चेंज होती जा रही है चीजें ओके दिस इज फॉर हर्षित ओके हर्षित कम I'm sure you need a beautiful welcome girl. Thank you so much. Thank you. Beautiful. Thank you so much for welcoming us. It is incomplete without a champagne. और वैसे एक फैक्ट बात ये भी बता दूं कि हम लोग को पता नहीं कितने साल 30-35 साल की यारी आज तक कभी किसी को गिफ्ट नहीं दिया सही में पार्टी के नहीं दिया अच्छा तू दे भाई कोई भी दे दे सर यू डू द ऑनर्स फॉर द चैंपियन चैंपियन यू आर गोना पॉप अप द चैंपियन पापा फॉर द इवनिंग ओके वी डू वी पॉप अप नाउ और लेटर इसको थोड़ी ठंडी करवा दे ये आपके लिए गुलाटी साहब अरे ज्यादा की बात ही नहीं है वो तो दुबई से आए थे ये स्पेशल मैडम देखो इधर बात करो इट्स नॉट अबाउट रिक्वायरमेंट इट्स द फीलिंग जब हम घर पे बुलाते हैं ना हां जी देखा जाता है फिर थोड़ी बार-बार कोई बात नहीं घर फिर आ जाएंगे नो प्रॉब्लम हमारी ऐसी बॉन्डिंग है सर मनी मन तो आप कर रहे हो गिफ्ट लेने का ले लो मेरा मन कर रहा है भाई कर रहा है आपकी तरफ से भाभी की तरफ से थैंक यू दे मैं रख देता हूँ अच्छा सर एक चीज याद रखना ये सारे डब्बे जो है ना ये सबकी गाड़ी में जाए सुखविंदर की गाड़ी में ना चले जाए ठीक है मास्टर सीट है मास्टर सीट मास्टर को बिठाओ हम तो चले हैं आप बैठोगे मोहित जी आई विल सीट विद माय वाइफ गुलाटी साहब को बिठाए किसको बिठाए पापा यू कम हियर यू आर द बॉस नो यू आर द बॉस नो आई एम आई हैव टू सिट विद सैंड्रा सो दिस इज द चेयरमैनस यू आर नॉट ओल्डर देन मी ओह जस्ट अ लिटिल बिट यंगर तो जी हम पहुंच गए हैं मौज मस्ती शुरू हो गई है बाकी जी वीडियो अभी ये वाली यहीं समाप्त करते हैं पार्टी जो है ना पुरानी चलती ये जो भाई साहब जिसमें आप अपना तो दोबारा तो नहीं बोलूं अभी क्या बोलना है नहीं बोल दे आई एम बैक अरे वाह सर एक बात बताओ व्हाई आर यू ऑलवेज बैक Why am I always back? भाई देखो पसंद है सबको मेरे को भी अच्छा लगता है ये मैं इसके रीजन बताओ मैं भी फॉर्म में आ जाता हूँ क्या बोलते हैं आप मैच खेलने जाते हो उससे पहले वर्जिश करते हो ना जैसे मैं ये बोलता हूँ ना मेरी वर्जिश हो जाती है अपने आप में बन जाती है ब्लॉगिंग मूड के अंदर
बाकी जी ये वाली वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारे सब कुछ है, हमारे शेर की दहाड़ है। अच्छा, जो हवा है। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है जी, इसको यहीं खत्म करते हैं। अगली वीडियो में पूरी पार्टी और गपशप वगैरह जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।